बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो। ऐसा भी होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं अजब तस्वीरों की गजब कहानी। तस्वीरें ऐसी होंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प होंगी, लाजवाब होंगी, जिन्हें देखकर आपके मुंह से ये अपने आप ही निकल उठेगा कि क्या ऐसा भी होता है। हादसे की ये तस्वीरें यूरोप के स्लोवाकिया की हैं। देखिए कैसे ये BMW कार सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही है और फिर अचानक ये फुटपाथ से टकराकर हवा में उड़ते हुए पुल के ऊपरी हिस्से पर टकराती है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। घटना का वीडियो स्लोवाकिया पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पर डाला। वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यू मिले हैं। इस शख्स को देखिए कैसे ये बर्फ से जमे इस तालाब में फंसा हुआ है। रेस्क्यू दल के कर्मचारी इसकी जान बचाने में लगे हैं। रेस्क्यू दल का ये सदस्य अपने शरीर पर रस्सी बांधकर इस शख्स तक पहुंचता है और इसी रस्सी को फंसे हुए आदमी के शरीर पर लपेटा जाता है। धीरे धीरे ये शख्स रेस्क्यू दल के साथ तालाब में आगे बढ़ने लगता है और फिर काफी जद्दोजहद के बाद इस आदमी को तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। तस्वीरें चीन के लियोनिंग शहर की हैं। पानी के अंदर तैरते इस रोबोट को देखिए। कई बार इसके बड़ी मछली होने का भ्रम हो जाता है। अमेरिका की एक कंपनी ने अनोखा रोबोट विलॉक्स इजाद किया है जो जमीन के अंदर तेजी से तैर सकता है। इसके डैने खास तरीके से बनाए गए हैं जिससे ये गहरे पानी में किसी कुशल मछली की तरह गोता लगा सकता है। वेलॉक्स नाम का रोबोट जमीन पर भी तेजी से चलने में सक्षम है। भविष्य में इस रोबोट को समंदर के साथ साथ ध्रुवों के बर्फीले इलाके में भी इस्तेमाल करने की योजना है। एक पहिए की साइकिल पर सवार ये आदमी पतली सी पाइप पर फिसलता जा रहा है। देखिए कैसे उसने एक जबरदस्त जंप भी लगा दी। अब इन यूनिसाइकिलिस्ट को देखिए कैसे संतुलन बनाते हुए एक बाधा से दूसरी बाधा तक जंप करा रहे हैं। एक पहिए की साइकिल पर हैरतअंगेज करतब की ये तस्वीरें जर्मनी के कोलोन की हैं, जहां विंटर एक्सट्रीम यूनिसाइकिलिंग चैंपियनशिप खेली गई। इस दौरान यूनिसाइकिलिस्ट ने कई तरह की कलाबाजियों का प्रदर्शन किया। इसमें स्ट्रीट स्टाइल कॉम्पिटिशन और फ्लैटलैंड प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही। टेनिस कोर्ट पर 6 कुत्ते मौजूद हैं और अचानक दर्जनों गेंदें फेंक दी गई। डॉगी तुरंत गेंदों को पकड़ने के लिए भाग दौड़ करने लगे। ये अनोखी तस्वीरें ब्राजील ओपन टेनिस मुकाबले की हैं, जहां कुत्तों को बॉल डॉग्स बनाने की ट्रेनिंग दी गई। ये कुत्ते सड़क पर आवारा छोड़ दिए गए थे, जिन्हें पालतू बनाकर टेनिस कोर्ट पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के जरिए ब्राजील में लोगों से कुत्तों को आवारा ना छोड़ने की अपील भी की गई। इन लोगों को देखिए जो दनादन हॉट डॉग खाए जा रहे हैं। खाना कपड़ों पर गिर रहा है, गले में अटक रहा है, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की हैं, जहां नेथन्स पर इंटरनेशनल हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया, जहां हिस्सा लेने वाले लोगों ने ताबड़तोड़ हॉट डॉग खाकर सबको हैरान कर दिया। पुरुष वर्ग का मुकाबला जो चेस्टनट ने जीता, जो अपने मजबूत जबड़े के लिए मशहूर हैं। वहीं मिकी सूडो ने महिलाओं के वर्ग में सबसे ज्यादा हॉट डॉग खाने में कामयाबी हासिल की। ये बाइक्स तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं और इन पर बैठे लोग फुटबॉल को गोल तक पहुंचाने के लिए भिड़ रहे हैं। यहाँ बाइक पर बैठे बैठे किक लगानी है और पास भी देना है। फुटबॉल और बाइक रेसिंग के मेल वाले इस खेल को मोटोबॉल कहा जाता है, जिसमें दोनों टीमों के 3-3 बाइकर हिस्सा लेते हैं। खेल के सारे नियम फुटबॉल के ही हैं, बस खिलाड़ी पैरों पर नहीं बाइक्स पर दौड़ रहे हैं। ये मुकाबला इंग्लैंड के वार्विक शहर में खेला गया, जहाँ जर्मनी और फ्रांस की टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखी गई। हालांकि जर्मनी ने फ्रांस को 9-3 से मात दे दी।
दो खिलाड़ी इस विशाल खंभे पर सरपट चढ़ते जा रहे हैं। 25 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना हंसी मजाक नहीं है। खिलाड़ियों को पेड़ के तने से बने खंभे पर चढ़कर इस बटन को दबाना होता है। जो पहले बटन दबाता है वही विजेता होता है। इंग्लैंड के वार्विकशायर में वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप खेली गई, जहां डैन व्हीलन एक बार फिर चैंपियन बने। ये खेल मूल रूप से उत्तरी अमेरिका का है, जहां पेड़ काटने के लिए मजदूर ऊंचे से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे। खिलाड़ी ने फुटबॉल को जोरदार किक मारी, लेकिन गेंद गोल के बजाय होल की तरफ जा रही है। यहाँ गेंद भले ही फुटबॉल की हो, लेकिन खेल के नियम गोल्फ के हैं, इसलिए इसे फुट गोल्फ कहा जाता है। जिस खिलाड़ी ने सबसे कम प्रयासों में गेंद इस गड्ढे में डाल दी वो विजेता कहलाता है। ये नजारा इंग्लैंड के ससेक्स में चल रहे इंग्लिश ओपन फुट गोल्फ का है। इस प्रतियोगिता में विश्व नंबर एक खिलाड़ी बेन क्लार्क ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए जीत हासिल की। ये अनोखा तैराक इस दलदल में तेजी से तैरने की कोशिश कर रहा है। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं, बल्कि कीचड़ और घास से भरी दलदल है, जहां घुटने भर पानी में तैराकी की जा रही है। तैराक ने खास पोशाक पहनी है और उसे 55 मीटर की दूरी इसी तरह दलदले पानी में तय करनी है। ये अजीबोगरीब नजारा ब्रिटेन के वेल्स का है, जहां वर्ल्ड बॉक्स स्नोरकेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। यहां उतरे खिलाड़ियों ने मेंढक की तरह कपड़े पहनकर गड्ढों की दलदल में रेस की। खराब मौसम की वजह से उनकी मुश्किल और बढ़ गई। इस अजीबोगरीब रेस को देखिए। यहाँ खिलाड़ी फॉर्मूला वन कार नहीं, बल्कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल रेस करने के लिए कर रहे हैं। रेसिंग के दौरान कटी हुई घास और पानी के मिलने से ट्रैक पर कीचड़ भर गई है, लेकिन ये जांबाज रेसर तेजी से रेस कर रहे हैं। तस्वीरें ब्रिटेन के ससेक्स की हैं, जहां 12 घंटे की लॉन मॉर रेस आयोजित की गई। ये रेस पिछले 40 साल से हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें 50 टीमें हिस्सा लेती हैं। इन अजीबोगरीब साइकिल्स से रेस करना किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए साइकिलिस्ट को इन पर सवार होने में कितनी दिक्कत हो रही है। बहरहाल साइकिल सवारों ने तेज रफ्तार के साथ रेस शुरू कर दी। हालांकि इस पर बैलेंस बनाना कोई आसान काम नहीं। दरअसल ये साइकिल का वो मॉडल है जिसका आविष्कार 200 साल पहले हुआ था। लंदन में साइकिल की 200वीं सालगिरह इस रेस के साथ मनाई गई। इस अनोखी रेस के दौरान कुछ रिकॉर्ड टूटे भी तो कुछ बरकरार रहे। दुनिया में सबसे धीरे चलने वाले जानवर घोंघे यहाँ रेस कर रहे हैं। ये लाल घेरा इनकी स्टार्टिंग लाइन है, जहां से इन्हें बाहर की पीली लाइन तक पहुंचना है। इनके ऊपर नंबर लगाया गया है, ताकि पहचान करने में कोई दिक्कत ना आए। ये रेस देखना काफी धैर्य भरा काम है, क्योंकि ये जानवर बेहद इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नजारा इंग्लैंड के नॉरफोक का है, जहाँ 150 से ज्यादा घोंघों ने वर्ल्ड स्नेल रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। एक बॉक्स रखा है और ये लोग इन सिक्कों को बॉक्स के होल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार खिलाड़ी कामयाब होते हैं, लेकिन अधिकतर नाकामी हाथ लगती है। अब इन्हें देखिए, सिक्का फंस गया तो लगे जमीन पर कूदने, मानो धरती हिलाकर सिक्का होल में गिरा देंगे। ये नजारा इंग्लैंड के लुइस शहर का है, जहां 21वीं टोड इन द होल चैंपियनशिप खेली जा रही है। यहां हर खिलाड़ी को 4 सिक्के फेंकने का मौका मिलता है। ये अनोखा खेल पूरी दुनिया में सिर्फ इसी इलाके में खेला जाता है। रेस शुरू होते ही ये कुत्ते गाड़ी को लेकर तेजी से दौड़ने लगे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ियां सरपट भागती जा रही हैं। किसी गाड़ी में 3 कुत्ते बंधे हैं, किसी में 5 और किसी गाड़ी में 7 कुत्ते बंधे हैं। हस्की नस्ल के ये कुत्ते अमूमन बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में इनकी रेस काफी लोकप्रिय है। ये नजारा ब्रिटिश साइबेरियन हस्की डॉग चैंपियनशिप का है, जहां इन शानदार जानवरों ने अपनी ताकत और रफ्तार का जोरदार प्रदर्शन किया। ये नजारा रूस में आयोजित होने वाले यूकी गासेन स्नो बैटल का है। यहाँ ये लोग एक दूसरे को बर्फ के गोले यानी स्नो बॉल से निशाना बना रहे हैं।
बीच में छिपने की जगह बनी है। खिलाड़ियों को एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा बार स्नोबॉल मारनी होती है। इस खेल में दोनों टीमों के साथ साथ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। खिलाड़ियों को विरोधी को स्नोबॉल मारने के साथ साथ उनका झंडा छीनना होता है। हर मुकाबले में 3 मिनट की 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। कुल मिलाकर 90 स्नोबॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आसमान से गिरते ओले पानी में जोरदार हलचल पैदा कर रहे हैं। काले आसमान से ओलों के गिरने की आवाज काफी डरावनी है। मौसम का मिजाज बिगड़ा तो पूरा का पूरा इलाका बारिश और ओलों की चपेट में आ गया। ये मंजर ऑस्ट्रेलिया का है, जहां तेज तूफान के साथ बारिश हुई है। इस दौरान सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में जमकर ओले गिरे। कई जगह गोलों का आकार गोल्फ की गेंद के बराबर था। आसमान से बरसी इस आफत ने शहर के लोगों की हालत खराब कर दी। प्रदर्शन की ये तस्वीरें गाजा शहर की हैं। देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। इजरायली सेना की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सेना पर पत्थरबाजी करने लगे। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस इमारत के छत पर एक शख्स लटका हुआ है, जिसे 2 लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदमी गिरना चाहता है। ऊपर जाने के बजाय वो ताकत लगाकर छूटना चाहता है। ऊपर से गिरा तो उसकी मौत निश्चित है। छत के ऊपर मौजूद लोगों ने पूरा जोर लगाया और युवक के कपड़े पकड़कर उसे खींच लिया। खुदकुशी की लाइव कोशिश का ये वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा का है। इसी इमारत के एक होटल में काम करने वाले शख्स ने छुट्टी न मिलने पर जान देने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते लोगों ने उसे बचा लिया। सूटकेस लेकर जा रहे इस किशोर को देखकर किसी को शक नहीं हुआ कि इसके अंदर कुछ संदिग्ध हो सकता है। देखिए कैसे इत्मीनान से ये सूटकेस को ट्रॉली के जरिए बीच बाजार से लेकर जा रहा है। लेकिन यही सूटकेस बाद में एक नाले में बरामद हुआ, जिसके अंदर एक बच्चे की लाश निकली। ये अजीबोगरीब और खौफनाक वारदात मुंबई के साकिनाका की है, जहां 10 साल के मासूम बच्चे को 2 नाबालिग नशेड़ियों ने कत्ल कर दिया और लाश को सूटकेस में भरकर नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्याकांड का खुलासा हो गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।